Hello guys, welcome to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss another fresh chapter from class 11th maths, that is straight line. So in this chapter we will understand about what a straight line is all about, how we can plot a equation of straight line, and what are the fundamentals of straight line in regarding to a Cartesian plane. So when we draw a straight line on a Cartesian plane, what are the things we get from there on? So let's begin. So first of all, you have to understood about distance formula. So what is distance formula? Guys, class 10th ke andar aapne chapter number 7th, jo ki coordinate geometry tha, usme distance formula ke baare mein padha hoga. Distance formula basically hota ye hai ki jab ek coordinate ko draw kiya jata hai, to main aapke samne coordinate draw karne ki koshish karunga. Suppose ye hamare samne ek coordinate hai, to yaar ye maine draw kiya x axis, right? Ab main draw karta hu is pe y axis. To ye hai mere paas y axis. ठीक है, x और y एक्सिस के वजह से जो चीज़ बन के आता है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. तो गाइज ये हमारे सामने है एक कार्टेशियन प्लेन, राइट. इस कार्टेशियन प्लेन के चार हिस्से हैं. पहला हिस्सा एक क्वाड्रेंट होगा, दूसरा भी एक क्वाड्रेंट है, तीसरा भी एक क्वाड्रेंट है, और चौथा भी क्वाड्रेंट है. ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में भी स्टडी कर लिया होगा. और ये पहला क्वाड्रेंट होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इस तरीके से चलता है. ठीक है, तो यार यहाँ पे इनके नेम दे देते हैं. ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. सो कलर चेंज किया और क्वाड्रेंट के नाम यहाँ पे प्लॉट कर दिए. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. अब हर एक क्वाड्रेंट में आप कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो. सपोज कि आपने इस वाले लाइन पे पॉइंट प्लॉट किया टू पे, तो यार ये से मानते हैं वन और ये मानते हैं टू. और इस वाले लाइन पे आपने पॉइंट प्लॉट किया लेट सपोज थ्री पे, तो इसे मानते हैं वन, इसे मानते हैं टू और इसे मानते हैं थ्री. अच्छा, ये जो सेक्शन है वो थ्री है और ये है टू है, तो इनकी नेमिंग कर दीजिए. जब आप इनकी नेमिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे हम बोलेंगे ज़ीरो और टू और ज़ीरो. एक्स एक्सिस पे टू है और वाई एक्सिस पे ये ज़ीरो पे लाई कर रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस तो ओरिजिन पे ही है, राइट. और इसका नाम होगा ज़ीरो और थ्री, तो इसको आप पॉइंट करोगे ज़ीरो और थ्री. तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे, राइट. बाकी कोऑर्डिनेट्स को हम क्वाड्रेंट्स को हम रब कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है. इसे हमने इरेज कर दिया. और अब आप देखिए, जब आप इन लाइंस को मिलाएंगे, मतलब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स को आप मिलाएंगे, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा. तो मैं इस कोऑर्डिनेट को मिलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. तो ये कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेट जो मिल गया, ये हो गया एक लाइन, एंड दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. अब मुझे अगर इस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस जाननी हो, तो मैं इन कोऑर्डिनेट की मदद से इसका डिस्टेंस पता कर सकता हूँ, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूले में सीखेंगे, जो कि क्लास टेंथ में भी आपने पढ़ा था. क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? आप इन पॉइंट्स को नेम दीजिए. तो मैं इसको नेम दे रहा हूँ, मान लीजिए कि इसका नाम है ए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी. तो आप डिस्टेंस भी निकालेंगे ए से बी तक का, ये लाइन हो गया ए टू बी, राइट. तो जब डिस्टेंस निकाला जाता है ए से बी तक का, तो हम डिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से निकालते हैं. यहाँ पर लिखिए ए डिस्टेंस ऑफ ए बी, राइट. डिस्टेंस ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. अच्छा, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे x1, इसे लिखेंगे y1. तो आप इसे लिखिए x1, ये है आपका x1 कॉमा ये है आपका y1. सिमिलरली ये है आपका x2 कॉमा ये है आपका y2, राइट. हम जर्नल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये बन के आ गया हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला. अब इसमें अगर आप x2 और y2 की वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करते हैं. तो अंडर रूट अपनी जगह पे होगा, x2 की वैल्यू है यहाँ पे 0, y2 की सॉरी x2 की वैल्यू है हमारे यहाँ पे 2, यस 0, और y2 x1 की वैल्यू है 2. तो आप 0 में से 2 को माइनस कर दीजिए, प्लस में y2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 में से 0 को 3 में से 0 को माइनस कर दीजिए. तो ये हमारे सामने आ गया x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 2, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0. अब आगे इसे सॉल्व कीजिए तो ये निकल के आएगा 0 माइनस 2 होता है माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस में ये होता है 3 का स्क्वायर, राइट. अब आगे देखिए, माइनस के 2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4, और 3 के स्क्वायर भी होगा प्लस का 9. अंडर रूट आ गया ये. अब ये ओवरऑल आंसर बन के आ गया अंडर रूट रूट 13, यानी कि जो ये लाइन है ग्रीन कलर की, इसकी जो दूरी निकाली जाएगी, इसका जो डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस आएगा रूट 13, राइट. तो दैट इज ऑल अबाउट योर डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स कम टू अनदर स्लाइड. अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला.
आप इसी डायग्राम को ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये लाइन है हमारे पास, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है। इस लाइन को अगर मुझे किसी हिस्से में डिवाइड करना है, सपोज़ मैं यहाँ से सब कुछ इरेज करता हूँ या फिर एक नया ड्रॉ करता हूँ, फ्रेश ड्रॉ करता हूँ, तो मान लीजिए कि हमारे सामने एक ये लाइन है, ये एक्सिस है, ठीक है। एक और एक्सिस ड्रॉ करते हैं, राइट, दिस इज़ अनदर एक्सिस, ओके। एंड अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यार इस लाइन को हम किसी और कलर से बनाते हैं। लेट सपोज ये लाइन है हमारा, मान लीजिए कि ये लाइन है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक पास कर रहा होगा, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक जा रहा होगा। इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लेके और आप इसके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। बहरहाल हमें डिस्टेंस नहीं, हमें इसके सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पता करना है। सेक्शन का मतलब होता है आपने इसको किसी हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको मान लेते हैं कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये कितना हिस्सा है इसका, ये मुझे जानना है। मुझे अगर मान लीजिए इसका रेशियो पता हो कि मैंने सपोज़ इसको डिवाइड किया 2:3 में, राइट, मैंने इसको डिवाइड किया 2:3 में, इधर दो हिस्सा है इसका और इधर तीसरा हिस्सा है, ठीक है। मतलब टोटल जो भी हिस्सा था उसका तीसरा पार्ट यहाँ पे और दूसरा पार्ट यहाँ पे है, तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ मुझे जानना है। मुझे क्या क्या मालूम है, एक तो रेशियो पता है, रेशियो मुझे मालूम है कि मैंने इतने में डिवाइड किया है, और साथ में शुरू से मुझे कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो यहाँ पे यहाँ कोऑर्डिनेट मेंशन कर लो, मुझे ये कोऑर्डिनेट्स पता है, ये कोऑर्डिनेट x1 होगा कॉमा ये होगा y1, ये कोऑर्डिनेट्स होगा x2 कॉमा y2, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट्स पता है, साथ में मुझे मेरे रेशियोज भी पता है। अगर मैं इस पॉइंट को, अगर इस वाले पॉइंट को मुझे निकालना हो, लेट सपोज मुझे ये पॉइंट निकालना हो, क्योंकि जब तक मैं ये पॉइंट नहीं निकालूंगा तब तक मैं इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब मैं ये पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी निकल जाएगी, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की निकल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिस हिस्से पे आप डिवाइड करते हो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, यस, जहाँ पे आप डिवाइड करते हो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं मान के चलूँ, इसके कोऑर्डिनेट को लेट सपोज मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ, सिंपल, ना x1 y1 नहीं करना, x3 y3 ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल एक्स और वाई, राइट। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया गलती से, ओके, इसको ठीक से लिखते हैं, ये आएगा एक्स और वाई, डैट्स इट। अब आपको एक बार अच्छे से यहाँ पे इसको लिखते हैं, ये होगा आपका एक्स एंड वाई, तो हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, राइट। सो ये हो गया आपका एक्स कॉमा वाई, ये कोऑर्डिनेट्स बन गए यहाँ के, ठीक है। चलिए तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ये x कॉमा वाई है, अगर आपको ये मिल जाए तो उसके बाद इसके डिस्टेंस मिल जाएगी जैसा मैं बता रहा हूँ। सवाल ये है कि ये x कॉमा वाई क्या होगा और कैसे निकलेगा। तो अगर इस x की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे अगर इस x की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए इस x की वैल्यू निकाली जाती है, x इज़ इक्वल टू, अब इस रेशियोज़ को कुछ नाम दीजिए। इस रेशियो को सपोज़ मैं m1 बोलता हूँ और इसको मैं m2 बोलता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार से निकलेगा, x इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये m1 क्या है, ये रेशियो है, m2 क्या है, ये रेशियो है, x1 क्या है, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है x1, और x2 क्या है, ये वाला पॉइंट है, राइट, और नीचे रेशियोज का सम। सिमिलरली मुझे अगर y निकालना हो तो मैं y कैसे निकालूंगा, तो मैं y पॉइंट्स निकालूंगा, y इज इक्वल टू m2 y1। नोट कीजिए अगर यहाँ पे रेशियो इसका लिख रहे हैं तो एक्सिस कोऑर्डिनेट इसका इस्तेमाल कीजिए, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला, आई होप समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ से x और y मिल जाएगा, ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब सपोज ये वाले पॉइंट्स मिल गए तो ये इसकी मदद से आप ये पूरा डिस्टेंस निकाल लोगे, राइट। चलिए एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए कि पॉइंट्स निकल के आ गया, सपोज इंस्टेंस के लिए बता रहा हूँ केवल, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे दोबारा से। चलिए यही लाइन था, सेम लाइन है, ठीक है। मानते हैं कि ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था जो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, उसकी वैल्यू होगी सपोज यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 2 और 3, राइट, 2 और 3 इसकी वैल्यू है, इसको ठीक से लिखते हैं 2, 3। और जो ये हमारा एक्स और वाई निकल के आया है जो कि यहाँ पे प्लॉट होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे लिए ये है, मैंने सिर्फ इतना हिस्सा बनाया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ, सपोज कीजिए ये आएगा 3 और 7, मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल कंसीडर किया है। अब आप मुझे बताओ क्या ये 3 और 7 और 2 और 3 की मदद से आप डिस्टेंस नहीं निकालोगे, तो आपका डिस्टेंस भी निकल जाएगा, आपको ये पॉइंट्स भी निकालने आ गए। अच्छा ये रेशियोज़, अगर मुझे रेशियोज़ ना दिया हो और मुझे ये पॉइंट दिया हो तो हम रेशियोज़ भी निकाल लेते हैं, बट वो क्लास 10th का पार्ट है, तो आई होप कि आपको सेक्शन फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्या मतलब है? एरिया ऑफ ट्राइंगल से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कि ये मेरे पास अगेन वही कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई ट्राइंगल बन रहा है, यस, कैसे बनेगा इस पे कोई ट्राइंगल? सपोज हमारे पास पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अच्छा, जो भी ये पॉइंट होगा इनकी वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस से इसकी कुछ दूरी होगी, वाई एक्सिस से कुछ दूरी होगी, इस पॉइंट की भी कुछ वैल्यू होगी, इस पॉइंट की भी कुछ वैल्यू होगी, इन पॉइंट्स की को अगर जोड़ दूँ तो ट्राइंगल बन जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ इन पॉइंट्स को जोड़ के, तो इनको आपस में जोड़ दो, ये यहाँ पर जुड़ गए, ओके, फिर इनको आपस में जोड़ दो, ये यहाँ पर जुड़ गए, राइट, और फिर इनको आपस में जोड़ दो, ये आपस में ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और ये जब ये जुड़ गए तो ये बन गए ट्राइंगल। अब आपको इन ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वेल, ये सब, ये आपका एक्स वाई एक्सिस था, ये था आपका एक्स एक्सिस, ये था आपका नीचे वाला, ये था एक्स एक्सिस सॉरी, और ऊपर वाला ये था आपका वाई एक्सिस, राइट? तो एक्सिस को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे, ओके। अब मुझे इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है। जैसा मैंने बोला, ये अपने आप में कोऑर्डिनेट्स थे यहाँ पे, जो इनके एंड पॉइंट्स हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स को आप कुछ कुछ नाम दे दीजिए। सपोज कीजिए इसको मैं दे देता हूँ एक्स वन और वाई वन, राइट, बीच में कॉमा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स टू कॉमा वाई टू, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए तीनों। अब इनकी मदद से आपको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो इन कोऑर्डिनेट्स का एक नेम भी दीजिए। इनका नेम डालते हैं हम ए बी और सी। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। किसकी मदद से निकालना है? कोऑर्डिनेट्स की मदद से। तो आपको टेंथ का फॉर्मूला याद होगा, वो होता है 23 31 12, शॉर्टकट ट्रिक होता है, आप लिखोगे हाफ, यहाँ पे लिखोगे वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइन, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे हाफ, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाइए एक बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लीजिए एक्स वन, और यहाँ पे आएगा वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी वाई टू माइनस वाई थ्री, प्लस में अगेन यहाँ पे लिखिए एक्स टू, यहाँ पे लिखिए एक्स टू, राइट, तो ये लिख दिया हमने एक्स टू, यहाँ पे आएगा वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। यार ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। सारी वैल्यूज़ में पता है, एक्स वन पता है, वाई वन पता है, एक्स टू वाई टू सारी वैल्यूज़ पता है, हम पुट करके ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे। तो डैट वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट हाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। भाई रिकॉर्ड ही ना हुआ।